प्रधानमंत्री बनकर वो गुजरात से निकले, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वो दिल्ली की गद्दी उन्होंने संभाली वहां से निकलकर, उसके बाद गुजरात वासियों को भी ये समझ में आया कि उनका यहां से भले ही निकलकर वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन गुजरात की बागडोर वो नहीं संभाल रहे हैं। और इसीलिए गुजरात में जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई उसके सामने ये एक क्राइसिस के तौर पर रहा कि उनकी जगह कोई ले नहीं पाया उस हिसाब से, नेतृत्व के हिसाब से भी। और इसीलिए शायद आज हर एक चीज में, चाहे वहां पर संगठन की बात हो जाए, यहां पर चुनाव की बात हो जाए, यहां पर एक एक सीट पर नजर रखने की बात हो जाए, प्रचार की बात हो जाए, आखिरी लम्हे में चुनाव की बहाव को पलट देने की बात हो जाए, एक ही नाम समझ में आता है और गुजरात चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर भी मोदी फैक्टर हो जाता है। देखिए बिल्कुल श्वेता, ये बात सही है कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा है। अगर मोदी फैक्टर नहीं है हो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत मुश्किलें हैं। और ना सिर्फ गुजरात में मोदी फैक्टर है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जिस चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हर जीत में लगता है कि अगर जीतना है चुनाव तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और जो बात आप कह रही हैं ना, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद पिछले 8 सालों में 3 मुख्यमंत्री चेंज हो गए। आनंदी बहन मुख्यमंत्री बनी थी 2014 के बाद, 16 तक वो रही, उसके बाद विजय रूपाणी ने कमान संभाली, फिर 2021 में विजय रूपाणी का इस्तीफा होता है और भूपेंद्र पटेल को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को उस चेहरे की तलाश है जो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस काम को किया है उसको और तेजी से रफ्तार ले जाए। अगर आप देखेंगे तो विजय रूपाणी के साथ मंत्रिमंडल में जितने चेहरे थे सबको बदल डाला था 2021 के अंदर, जब भूपेंद्र पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, तो जो उनकी पूरी कैबिनेट थी उस कैबिनेट के किसी सदस्य को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। एक तरीके से ये कहा जाए कि पूरे घर के बदल डालूंगा वाली सिचुएशन थी। भारतीय जनता पार्टी के को ये भी लगा इस चुनाव में कि कहीं ऐसा ना हो जिन चेहरों जो बड़े चेहरे हैं, जो मजबूत चेहरे दिखते हैं, उनके खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी का फीडबैक आया कि नितिन पटेल, विजय रूपाणी, भूपेंद्र चुडासामा और प्रदीप जाडेजा समेत कई ऐसे नेताओं की टिकट काट दी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे गुजरात के अंदर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंत्रिमंडल में काम किया था गुजरात सरकार के अंदर, उन चेहरों को बदल दिया, उनकी टिकट काट दी गई। नितिन पटेल को तो ये कहा जाता है कि मेहसाणा में पटेल समुदाय का वो नेतृत्व करते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि उनको भी हटा दिया गया, ना सिर्फ उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और फिर उनकी टिकट भी जो है उनको नहीं दी गई। तो एक तरीके से भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर कहें कि हमने अपनी स्वेच्छा से ये पार्टी संगठन के सामने रखा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति का पार्ट है कि आप जाइए और ये बताइए लोगों को, संगठन में ये गलत संदेश ना जाए कि हम आपकी टिकट काट रहे हैं। आप खुद से कहिए कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और आप इसीलिए मैं कहता हूं, जिस दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उससे 2 घंटे पहले इस तरीके के 8-10 लेटर जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम आते हैं, जिसमें वो ये बताना चाहते हैं या संदेश देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिसमें नितिन पटेल है, विजय रूपाणी है, भूपेंद्र चुडासामा है, सौरभ पटेल, प्रदीप जाडेजा, ये वो चेहरे थे जो बड़े चेहरे थे, इन्होंने खुद से पत्र लिखकर कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और नए चेहरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस बार संगठन में बदलाव कर एंटी इनकम्बेंसी को भी जो खत्म किया जा सकता है, 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने का एक तरीका है, जो बड़े चेहरे थे जिनके खिलाफ नाराजगी आ सकती थी उनको हटाकर नए लोगों को लाया गया है। साबरमती विधानसभा जहां मैं खड़ा हूं वहां से पिछली बार 2017 में अरविंद पटेल ने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई है, उनकी जगह हर्षद पटेल को दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। 99 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन उपचुनावों में देखा जाए तो 111 विधायक चुने जो कांग्रेस छोड़ कर आए और फिर उपचुनाव जीत कर आए, उनमें से 44 लोगों की जो है वो टिकट काट दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है कि लगभग जो है
35% से ज्यादा लोगों की टिकट काटना ये एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रयोगशाला है, जो प्रयोग यहाँ किए जाते हैं उसको उसके बाद पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो प्रयोग यहाँ किया गया है। अब देखना यह है कि इस प्रयोग के बाद, क्योंकि त्रिपुरा में भी जो है सब कुछ बदल गया था और अब आप देखिए कि ये जिस तरीके से सिक्योरिटी अब मुस्तैद हो गई है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि चंद ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब यहाँ इस मतदान केंद्र पर आएंगे और अपना मत करेंगे। श्वेता जी, ये तस्वीरें देखकर स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, और जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो केवल, जैसा कि हिमांशु भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि केवल गुजरात नहीं बल्कि देश भर में एक तरह से उनके नाम को लेकर जो बाकी वोट मांगा जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से परे किस तरीके की स्थिति में इस समय हो सकती है, क्योंकि गुजरात की जनता को क्या ये एहसास है और किस तरह का वो आगे अपना रास्ता देखना चाहते हैं। 27 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता है, पीढ़ियां निकल जाती हैं इसमें, और एक पूरी युवा पीढ़ी तो ऐसी समझिए जिसने किसी और का शासन देखा ही नहीं है गुजरात में, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आते हैं तो उस पीढ़ी ने यह भी देखा होता है और उनके आने में ही वो अक्स भी देख लेते हैं कि कैसे एक मुख्यमंत्री जो उनके राज्य का रहा वो अब देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन क्या उनकी जगह को कोई और दूसरा व्यक्ति, कोई और दूसरा नाम भर पाया है यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर साबरमती के किनारे दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे हम चर्चा आगे करेंगे एक बार प्रधानमंत्री की जैसे ही वहां पर वोटिंग हो जाती है। अल्केश भाई पटेल भी हमारे साथ हैं और हेमंत त्रिवेदी हमारे साथ हैं, हम दोनों से चर्चा करेंगे इस चुनाव को लेकर और आज के दूसरे, केतन त्रिवेदी माफ कीजिएगा, आज के इस दूसरे चरण के मतदान को लेकर। लेकिन ये जो हम वोटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर आम मतदाता भी चलकर आ रहे हैं अपने अपने वोट डालने के लिए, और यहां पर प्रधानमंत्री के जो आने का रास्ता है वहां पर लोगों की भीड़ भी आप देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा देख सकते हैं। गांधीनगर से निकलने की तस्वीरें थी जहां से प्रधानमंत्री का काफिला निकला था, और अब कुछ ही देर में पीएम पहुंचेंगे अपना वोट डालने के लिए। हमेशा से ही अल्केश भाई एक तरह से एक इवेंट रहता है प्रधानमंत्री जब, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर आते थे वोट डालने के लिए या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर पिछली बार जो विधानसभा में उन्होंने यहाँ पर वोट डाला। वो हमेशा ऐसा ही रहता है, वो इवेंट बनाते हैं क्योंकि दिखाना चाहते हैं ना, एक पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है और वो इस तरह से आगे निकलकर, तो उसके मतदाताओं पर और पार्टी के वर्कर्स पर भी एक असर रहती है, तो हमेशा इसी तरह से जितना भी वो मतदान हो तो क्या, कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, जो पब्लिक के लिए है तो इसी तरह से बड़ा, और मीडिया को भी नेचुरली उनमें इंटरेस्ट रहता है, तो एक चेहरा है। बात आपकी बात सही है, और जो आप बार बार एक बात जो कह रहे हैं कि कब तक ये मतलब यही चेहरा बीजेपी के लिए रहेगा, तो उनको मुझे लगता है कि यही सोच वो भी बीजेपी में भी हो रही होगी कि भाई अभी तक सिर्फ मतलब पिछले 20 साल से 25 साल से मोदी जी के नाम पर और उनके काम पर और उनके चेहरे पर गुजरात और शायद बाद में 2014 के बाद में नेशनल लेवल पर वोटिंग कर रहे मतदाता, लेकिन वो हमेशा तो नहीं रहेगा, तो उनको अगर बीजेपी को आगे निकलना है बाद में अगली 27 में जब चुनाव आएंगे 24 में, तब तक तो मोदी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका चेहरा रहेगा, लेकिन बाद में गुजरात में जब 27 का चुनाव आएगा तब क्या उसी वक्त भी सिर्फ मोदी जी का चेहरा रहेगा कि नहीं, ये भी एक बीजेपी मुझे लगता है कि सोचती होगी, और इसी तरह से अभी पार्टी में काम चल रहा होगा। नहीं, और इसके साथ ही ये भी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं है ना, तो यहाँ पर जो चेहरा है वो कोई उस जगह को भर पाया है, कोई उस जगह को ले पाया है कि भाई एक मोदी मॉडल गुजरात का दिखाया गया, पर उस मॉडल को संभालने वाला कोई रहा है गुजरात में? गुजराती जनता क्या उस चीज को स्वीकार कर रही है? पीएम भी जानते हैं इस बात को। नहीं, आपकी बात सही है, और वो मतलब काफी बीजेपी में भी ये कश्मकश 2014 के पास हमने देखी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह से 2002 से 2014 तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात का शासन किया, शासन संभाला, और उसका करिश्मा पहले गुजरात में और बाद में देश भर तक फैला, सबसे बड़ी दिक्कत गुजरात के लोगों के पास आज ये है कि गुजरात को हर हाल में मोदी चाहिए,
उसको हर हाल में हर किसी के भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में देखो, नरेंद्र भाई के जाने के बाद 3 मुख्यमंत्री के चेहरे आए, आनंदीबेन आई, विजय रूपाणी आए, फिर भूपेंद्र भाई आए, लेकिन हर एक बार हर एक मुख्यमंत्री में गुजरात की जनता ने भाजपा में सिर्फ मोदी और मोदी को देखा है। तो ये है ना कि गुजरात की जनता एक तरह से कहती है कि मोदी नहीं तो मोदी का क्लोन, लेकिन हमें मोदी ही चाहिए। तो सबसे बड़ी भाजपा के लिए भी आज वो है कि मोदी के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब देखें, सभी चुनाव, इवन नगर निगम इकाई के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, लोकल इलेक्शन से लेके पार्लियामेंट इलेक्शन तक, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं कहूं आपको कि 27 साल, बीच में थोड़ा एक राष्ट्रीय जनता पार्टी शंकर सिंह वाघेला के शासनकाल को एक एक साल छोड़ दे, तो करीबन 25 25.5 साल तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शासन करती आई है। लेकिन आज भी लोगों को मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी नेचुरल कोर्स में होगी, लोगों में बीजेपी की लोकल लीडरशिप के प्रति नाराजगी है, आज भी है। लोगों को शासन के सामने बहुत सारी कंप्लेंस भी है, हाँ लेकिन जहां जहां ये कंप्लेन आती है, जहां जहां ये एंटी इनकम्बेंसी आती है, बीजेपी को उसको डिफेंड करने के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है मोदी का चेहरा। वाकई। अच्छा चलिए, वो पहुंचने वाले हैं रानिप में उस पोलिंग बूथ पर जहां पर उनका वोट पड़ने वाला है। हिमांशु, लोगों का उत्साह तो दिख रहा है पूरी जी जी तरीके श्वेता, से, दोनों दोनों तरफ सड़क के लोग दिख रहे हैं। लोग बिल्कुल दोनों तरफ सड़क के लोग दिख रहे हैं, लोग उत्साहित हैं और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो मुस्तैद हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसीलिए जो है सिक्योरिटी यानी SPG और जो लोकल पुलिस है, उन्होंने यहाँ पर, आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दृश्य दिखाएं कि उन्होंने बिल्कुल सड़क के दोनों तरफ पुलिस भी खड़ी हो गई है, कहीं किसी बात पर कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर उनकी सिक्योरिटी हमेशा तैयार ही रहती है। अब कुछ ही क्षण है, आप देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज जो है आपको सुनाई दे रही होगी श्वेता, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इसी तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हर चुनाव में बहुत जरूरी है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को हटाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल रहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है आपको दिखाई देगा, चाहे वो किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कैंपेन पूरे उसमें करते हैं, और विधानसभा चुनाव भी जहां होते हैं वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति और चुनाव प्रचार में उनके चेहरे का पार्टी जो है बहुत यूज करती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो या दिल्ली विधानसभा हो, किसी भी राज्य का कोई चुनाव हो, वहां नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं और सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी को वोट भी मिलता है। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ मतदान करेंगे, उसके बाद मतदान करने के बाद जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जो लोकल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से वो सीधा अपने भाई सोमा भाई मोदी के घर जाएंगे, वहां वो कुछ देर रुकेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि सोमा भाई मोदी के घर के पते पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मतदाता सूची में जो नाम है वो रजिस्टर्ड है और इसीलिए वो यहाँ आएंगे। और ये एक पिछली बार 2019 में हमने देखा था कि वो यहाँ से लगभग 200 मीटर तक जो है वो पैदल गए थे, लोगों को हाथ हिलाते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए वो गए थे और लोग भी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखना चाहते थे, तो वो इस भावनाओं को जरूर समझते हैं, लोगों की फीलिंग को समझते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां से पैदल गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो मतदान करने आए थे। अब देखना यह है कि क्या आज वो उसी तरीके से जाएंगे पैदल, या फिर आज ये कहा जा रहा है कि वो ओपन कार में आने वाले हैं, कुछ दूर पहले वो ओपन कार में बैठेंगे और वहां से आएंगे। तो ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता में पिछले कुछ सालों में यहाँ कोई कमी नहीं हुई है, ये कह सकते हैं कि गुजरात में तो
लोकप्रियता और दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ी ही है। आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे, हम जब कई शहरों में गए, लोगों से बात की कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो वो ये कहते हैं हमको उम्मीदवार कोई नहीं देखना है, यहाँ तो हम सिर्फ मोदी जी को देखना चाहते हैं। ये बात लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, ना ही वो मुख्यमंत्री के तौर पे कोई काम देखेंगे, वो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के तौर पे पूरे देश को देख रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि गुजरात में तो सिर्फ मोदी ही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो है वो ये लगता भी है कि इस बार सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे। और साथ में हम ये तस्वीरें भी दिखा दें, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सबका अपना अपना समय निर्धारित था। जिस तरीके से पिछले साल ये परिवर्तन आया और उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा, तो चुनौती उनके सामने भी बड़ी है कि किस तरीके से यहाँ पर 27 साल जब बीत जाते हैं तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द जो है वो शायद बेमानी हो जाते हैं और बहुत छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जब 27 साल कोई पार्टी एक जगह पर रह जाती है, हम बंगाल की वाम पार्टी को अगर छोड़ दें तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कार्यकाल है। और अगर इस बार वाकई जनता विश्वास दिखाती है तो उसके बाद उसकी बराबरी हो पाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है यहाँ से। और उसमें जो एक दांव जिस पर लगाएंगे सब, जिस नाम पर, जिस चेहरे पर दांव लगा रहे हैं, जो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस चेहरे और जिस नाम पर दांव लगा रही है सबसे बड़ा, वो काम से बढ़कर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जो आप एक तरफ उनकी मां के साथ उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर वो कल शाम मिलने उनसे पहुंचे थे, ये जो भूपेंद्र पटेल पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, इनके भी कानों में और इनके दिमाग में वो नारा गूंज रहा होगा प्रधानमंत्री का, जब उन्होंने ये कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। उनको भी मालूम होगा बोलते हुए कि ये बहुत आसान, मतलब बोलना आसान है लेकिन कर दिखाना इसलिए भी मुश्किल, क्योंकि बीजेपी का वोट की सीटें हर साल अगर हम देखें विधानसभा की, हर बार घटी है, बिल्कुल नीचे ही जा रही है। और इसीलिए इस बार सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कहां फिर से कम जो मोदी जी के समय में थी जितनी सीटें उतनी तो लाए, वो शायद वो कहते हैं ना कि निशान ऊपर रख रहे तो ताकि वहां तक कम से कम पहुंच पाए, और इसीलिए ये नारा दिया है। और पूरे के पूरा मतलब आप चुनाव से पहले जैसे इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था तब से मोदी जी का दौरे यहाँ बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो और आपको मालूम होगा कि जब चुनाव की घोषणा होगी और उसके बाद जब पहली उन्होंने सभा की तो उसी में डिक्लेयर किया था उन्होंने पब्लिकली कि गुजरात भाजपा जितना मेरा उपयोग करना चाहता है वो कर सकता है, वो जितना जहां भी बोझेंगे, जहां मुझे ले जाएंगे, जहां जितनी सभा करनी है, रोड शो करने है तो मैं आऊंगा, इस तरह का पब्लिकली ऐसा बोला था। और उसके बाद उनके दौरे हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहे और इस बार पहली बार ऐसा हमने देखा है कि चार चार रोड शो बड़े किए उन्होंने। और तो आखिरी दौर तक रोड शो करते रहे। जैसे गोपी और हिमांशु दोनों हमारे साथ हैं, और देखिए आप प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गोपी लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन पा रहे हैं, आप उन तस्वीरों के साथ साथ आप वो आवाज सुन पा रहे हैं लोगों की। हिमांशु आप आवाज अगर आपको आ रही है तो आप बताएं क्या क्या दिख रहा है आपको आंखों के सामने, लोगों का उतावलापन कैसे दिख रहा है? देखिए बिल्कुल आप देखिए, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि लोग जो है जिस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है उसी तरफ जो है टकटकी लगाकर जो है वो आप देख रहे हैं। हर व्यक्ति इस इंतजार में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ मतदान करेंगे, और हर व्यक्ति उनकी झलक देखना चाहता है, वो देखना चाहता है अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को, जिसके लिए वो सुबह से यहाँ खड़ा है। श्वेता मैंने पहले भी बताया जब मैं 6:15 बजे आया था तब से लोग इसी तरीके से यहाँ खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं।
मैंने कुछ लोगों से बात की कि देखिए आप जाइए अपना मतदान कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो उन्होंने कहा नहीं देखिए शाम का 5 बजे तक का समय है, हम तो अपना वोटर आईडी लेकर आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाएंगे और उसके बाद जो है अपना मतदान करने जाएंगे, तो आप चिंता न कीजिए हम मतदान भी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ आए हैं। सुबह मैंने कुछ स्कूल के बच्चों से बात की थी कि आप यहाँ क्यों हैं, तो उन्होंने कहा कि आज स्कूल की छुट्टी है लेकिन हम सब यूनिफॉर्म में आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और उनको अपनी जो है विशेष देना चाहते हैं। एक बच्चा तो उनका पोर्ट्रेट भी बनाकर लाया था, तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में लोकप्रियता कहीं भी किसी भी तरीके से ये कह सकते हैं कि कम नहीं हुई है। और जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं लोग जो है वो चिल्लाने लगे हैं, चीख रहे हैं, तो अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो आप मतदान केंद्र की तरफ जी प्रधानमंत्री वहां पर अब पैदल चलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसी पैदल चलकर बूथ की तरफ जा रहे हैं, सड़क के दोनों ओर लोग और बीच में प्रधानमंत्री अपनी अपनी सुरक्षा घेरे के साथ आगे बढ़ते हुए लोग सड़क के किनारे किनारे खड़े होके प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लिए हुए स्कूल के बच्चे भी हैं, आम लोग भी हैं, सब लोग वहां पर जो वोट करने आए थे, जो वोट डाल चुके हैं वो भी देखने के लिए रुक गए और जो वोट डालने से पहले वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पीएम को पहले देख लें और उसके बाद वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। तो पीएम पैदल सड़क के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और हिमांशु ऐसा बता रहे हैं कि वो लाइन में लग के ही आगे वोट डालने के लिए जाएंगे। हिमांशु पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री और आगे बढ़ रहे हैं जैसा आपने कहा था, बिल्कुल श्वेता आगे चलकर आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी से नहीं आए, बिल्कुल वैसा ही होगा श्वेता, पैदल ही चलकर आएंगे, गाड़ी से नहीं आएंगे, आएंगे पिछली बार भी वो इसी तरीके से पैदल चलकर आए थे, इस बार भी उन्होंने उसी को फॉलो किया है, तो ये कह सकते हैं कि जो मतदाता लाइन में लगे हैं वो किसी को क्रॉस करके नहीं जाएंगे, वो भी उसी तरीके से लाइन में लगेंगे जिस तरीके से आम मतदाता जो है वो लाइन में लगता है और उसके बाद वो अपना मत करेंगे। वो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब वो इस तरीके से मतदान करने आए, आम आदमी के बीच में आए, तो किसी आम आदमी को जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा रखते हैं और आज भी आप देखिए कि वो किसी भी कोई भी गाड़ी का काफिला जो है वो उनके साथ नहीं है। और अब मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ मोदी मोदी के नारे जो है वो लगने शुरू हो गए हैं और प्रधानमंत्री लगभग मतदान केंद्र से 60 से 70 मीटर दूर और ये प्रधानमंत्री अब बिल्कुल करीब आते हुए देखिए ये जो है हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए लोगों को जवाब देते हुए हाथ हिलाकर यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा और आज कहें कि भारतीय राजनीति में इस तरीके का चेहरा अब देखने में। और यह हर्ष पटेल जो यहां से उम्मीदवार हैं वो उनको जो है भेंट स्वरूप शॉल पहनाते हुए, दूसरी तरफ अरविंद पटेल हैं जो यहां से चुनाव पिछली बार लड़ा था, जीते थे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मतदान केंद्र की तरफ अंदर जाते हुए बिल्कुल आप देखिए हर्षद पटेल उनके हैं और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो किस तरीके से अभी भी बरकरार है और उसमें किसी तरीके की कोई कमी नहीं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के और वो यहाँ पर मतदान करेंगे और श्वेता ने आया कि वो इस तरीके से जो है वो कभी भी जो है वो तो नहीं है उनकी उसी लाइन में। जाहिर हिमांशु की आवाज अब टूट टूट कर आ रही है क्योंकि जैमर्स जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो सुरक्षा कारणों से वहां पर जैमर्स भी लगाने होते हैं, तो इस वजह से हम आगे फिर उनसे संपर्क करेंगे। हिमांशु वहां की तस्वीरें जरूर हम तक पहुंचा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री का काफिला आया लेकिन लगभग 200 मीटर पहले वो रुका और उसके बाद जो सड़क का हिस्सा घेरा गया था उससे आगे प्रधानमंत्री पैदल आगे की ओर
निकले, रास्ते में जितने लोग खड़े थे सबका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो उनके स्थानीय प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे एक औपचारिक शिष्ट मुलाकात करते हुए वो भीतर की ओर दाखिल हुए और वहां पर अब जो वोटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसे पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री वहां पर जो मतदाता हैं जो पहले से वहां पर लाइन में लगे हुए थे, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और उस कतार में शामिल होकर आगे जो वोटिंग की प्रक्रिया होगी, यानी कि पहले जो आपकी आपकी डिटेल्स चेक किए जाते हैं उसके बाद, हालांकि अब प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर है कि बाकी लोग लाइन में लगकर आगे जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनकी उनकी इज्जत के लिए, उनके सम्मान स्वरूप जो लोग हैं वो खड़े भी हो रहे हैं। पर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक आम नागरिक की तरह वो उनका उनको भी वहां पर उनके साथ भी व्यवहार हो, पर साथ ही जितने भी लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं उन सबका प्रणाम स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनसे आगे इस समय तीन लोग नजर आ रहे हैं उस क्रम में जो कि वोट डालने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप हम जब वोट डालने पहुंचते हैं अपनी जो हमारी डिटेल्स होती हैं उस सूची में नाम चेक किया जाता है, उस पर चिन्ह लगाया जाता है और उसके बाद अपनी पर्ची लेकर प्रतीक्षा करनी होती है कि आपसे पहले वाले लोग वोट डाल चुके हों। तो उनसे आगे आप देखिए एक महिला आपको नजर आ रही है, उनके बाद भी जो लोग सामान्य प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं, जो पीएम है अब आगे अभी अपने हस्ताक्षर यानी कि आपका नाम जो चिन्हित है उस पर उसके सामने उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो उनकी उंगली पर स्याही का वो निशान जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा श्रृंगार भी माना जाता है और आज के दिन सब बड़ी खुशी खुशी वो तस्वीरें भी अपनी खींचकर, और जब से सोशल मीडिया आया है तो वो तस्वीरें डालते हैं प्रधानमंत्री ही, हम एक तरह से कह सकते हैं कि इस ट्रेंड की उन्होंने शुरुआत कर दी थी। तो गर्व का एहसास होना चाहिए इस लोकतंत्र के उत्सव का हिस्सा होते हुए। अब वो दूसरी महिला जो है जो वो अपनी वोट को उनसे आगे जो रही वो अपना वोट पहले दर्ज करेंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतपेटी की ओर आगे बढ़कर अपना वोट डालते हुए मतदान केंद्र में जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, रानिप का ये इलाका है जहां पर एक स्कूल है जिसमें मतदान केंद्र का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, गाड़ियों का काफिला जरूर था वीवीआईपी वाला, लेकिन जब वोट डालने पहुंचते हैं तो आप एक सामान्य नागरिक ही होते हैं। प्रधानमंत्री आखिर क्या जो 200 मीटर था वहां पर उन्होंने पैदल वो रास्ता पूरा किया, लोगों का हुजूम वहां पर था उन्हें एक नजर देखने के लिए, उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे गए, कतार में लगे और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने अपना वोट डाल दिया है, अपनी उंगली की स्याही लोगों को दिखा दी है। और साथ में प्रधानमंत्री आज सुबह से ही ये अपील कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में निकलें और वोट डालें। वोटिंग की प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई है, मतदान केंद्र से प्रधानमंत्री बाहर निकले हैं और वहां के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो जाहिर है वहां पर प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा ही करते रहे, लेकिन यहां पर आप कोई वोटिंग के दिन राजनीतिक स्टेटमेंट दे नहीं सकते हैं, लेकिन वोट की अपील जरूर उनकी। और एक बार फिर वो उसी रास्ते से सड़क मार्ग से लगभग 100-200 मीटर का जो फासला है उनकी गाड़ियों के काफिले तक का, उतनी दूरी में वो वहां के स्थानीय लोगों को जो कि वहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उन सब का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के अपने घेरे के बीच में प्रधानमंत्री अपनी उंगली पर वो स्याही भी लोगों को दिखा रहे हैं और जैसे उनकी उंगली की स्याही को दिखाना ही एक बड़ा संकेत हो लोगों के लिए कि आइए और अपने अपने वोट का प्रयोग आप भी करिए, लोकतंत्र के उत्सव का हिस्सा आप भी बनिए। प्रधानमंत्री मतदान केंद्र से बाहर निकलने के बाद से ही लगातार अपनी उंगली पर स्याही का वो चिन्ह लोगों को दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का बस शोर नजर सुनाई दे रहा है चारों ओर से। देखिए वहां पर जो चूंकि रिहायशी इलाका है पूरा, वहां पर जो लोग भी हैं वो अपनी छतों से ही प्रधानमंत्री को
देख रहे हैं, जो जिनका घर इतना करीब नहीं है वो वहां पर सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए वो दूरी भी मेंटेन की गई है। अब प्रधानमंत्री एक बार यहां से निकलेंगे, उसके बाद सुरक्षा का ये जो अमली जामा है वहां से हटेगा। और अभी तक जो एक मतदान केंद्र की रौनक थोड़ी सी अलग थी, वो अब बिल्कुल सामान्य रूप में यहां से दिखने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने की और वहां से वापस लौट कर जाने की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग जो उन्होंने की है उस वीवीपैट के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोट डालने के बाद वो बाहर की ओर निकले हैं और उसके बाद अब लोगों की ओर हाथ लहराते हुए अपने काफिले की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं। अंतिम समय तक प्रचार के पीएम अपने रोड शोज को, जो कि पहले एक अप्रत्याशित रोड शो हुआ लगभग 45 किलोमीटर का अहमदाबाद शहर के भीतर ही, और उसके बाद अगले ही दिन फिर एक 10 किलोमीटर का रोड शो उन्होंने किया। और जैसे कि हम यहां चर्चा भी कर रहे थे कि गुजरात में इस वर्ष की शुरुआत से ही चुनाव का ऐलान और तारीखों की के बारे में तो बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले से ही प्रधानमंत्री ने गुजरात पर अपना फोकस शुरू कर दिया था। और अब उन्हें भी मालूम है कि आखिरी ये चंद घंटे हैं, दूसरे दौर का मतदान आज, पहले दौर में वोटिंग कुछ कम हुई थी और उसे लेकर बहुत सारी चर्चाएं न सिर्फ उस रोज चली बल्कि आज तक चल रही हैं, और यहाँ तक कि जो वोटों की गिनती के बाद भी ये चलेंगी, क्योंकि विश्लेषण का हिस्सा वो भी बनेगा कि कितने लोग वोट के लिए क्यों नहीं आए, जो लगभग 3-4% की कमी आई वो आखिर क्यों आई। तो आज की कोशिश यही है सबकी कि आज कम से कम लोग और बड़ी संख्या में जितन जी पहुंचे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि जो लोग कम आ रहे हैं वो किसके कम आ रहे हैं। जी आपकी बात सही है, पहले चरण का जो मतदान हुआ और जो उसमें कमी आई उसको लेके दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के कैंप में काफी चिंता दिखाई दे रही थी। और शायद मुझे लगता है कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से पूरी जिम्मेवारी अपने सर पे ली और कल से वो आ गए हैं। हालांकि वो खुलेआम प्रचार नहीं कर पाते, लेकिन उनकी यहाँ मौजूदगी ही एक भारतीय जनता पार्टी की कैडर को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री यहाँ है। कल हमने देखा कि वो अपनी माताश्री को मिलने गए और कल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर कमलम में भी गए, वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा भी की। तो कुल मिला के फोकस उनका यही है कि बीजेपी का जो कोर कमिटेड वोटर है उनको किसी ना किसी तरह से हर हाल में बाहर निकाला जाए और अपनी फेवर में ज़्यादा से ज़्यादा मत बटोरे जाए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2017 में देखा है कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, ये जो चार शहरी इलाका है उसकी करीबन 55 सीटें अर्बन सीटें गिनी जाती है गुजरात में, और उस 55 में से 47 सीटें बीजेपी के हिस्से गई थी। तो एक तरह से बीजेपी को 99 तक पहुँचाने में ये अर्बन इलाका ने, शहरी मतदारों ने काफ़ी मदद की थी। तो सूरत और राजकोट में थोड़ी जो कमी महसूस हुई है, बीजेपी निश्चित तौर से आज अहमदाबाद और बड़ौदा में जो अपनी कमिटेड वोट बैंक है उसको मैक्सिमम वोटिंग करवा के भरपाई करने की कोशिश करेगी। और नॉर्थ और सेंट्रल गुजरात दोनों एक इलाका हम समझ सकते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आश्वस्त खुद को महसूस करती है, और एक इलाका जो कांग्रेस शासन में न होने के बावजूद अपनी पकड़ उसकी कमजोर पड़ी नहीं है। और जो अपने पकड़ को उतना ज्यादा मजबूत कर लेगा उसे लगेगा दूसरा दौर उसका पार उसका हो गया, बिल्कुल ऐसा लगेगा। और इसीलिए दोनों पार्टी ने कोशिश की है, और जैसे केतन भाई ने बताया कि पहले दौर में जो लगी का जो 3-4% का जो कम मतदान हुआ उससे सभी परेशान है, ऐसा नहीं, दावा दोनों पार्टी कर रही है कि जितना भी निकला वो हमारे लिए है और हमारे इसमें से इतनी सीट आ जाएंगी। लेकिन ये तो जब खुलने के बाद ही पता चलेगा, 8 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका दावा सही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान रोड शो की बातें कर रहे हैं, मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री अभी जो
वहाँ ज्यादा थोड़ी दूरी पर उतर गए और वहां से चल के पूरा आए और सभी का अभी तो एक एक प्रकार का रोड शो ही है, मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो उससे भी एक मैसेज जाता है कि भाई निकलो, बाहर निकलो, मतदाता निकलो। तो ये सब तरह की कोशिशें भी कर रहे हैं और अब मुझे लगता है कि आज दिन भर बीजेपी के जो कल शाम को इन लोगों की मीटिंग हुई, इसका उनका चलना, उनका वोट दिखाना, उनका इलेक्शन कमीशन का कैंपेनिंग के तौर पर आप समझ लीजिए, क्योंकि आप झंडों के साथ नहीं निकलते। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो देखिए वो चाहते तो पूरे स्कूल के गेट तक ले जा सकते थे, उनका काफिला वहां तक जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उससे क्या होता कि उनको सिर्फ फोकस वही इतना रहता, लेकिन दूर लोग उनके वेट कर रहे थे, हाँ सुबह से वेट कर रहे थे, तो उनका अभिवादन भी लेना उनके लिए भी एक इमोशनल अटैचमेंट का मुद्दा होता है। और इसीलिए तो इस हिसाब से मैं मतदान के लोगों को मोटिवेट करने के हिसाब से मैं रोड शो बता रहा हूँ, पार्टी के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बिल्कुल वो नेचुरली वो। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सारी जगहों, अब अमित शाह भी पहुंचेंगे लगभग 10:30 बजे, उनका भी नारायणपुरा में वो भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो उनकी वो जोड़ी भी आ ही जाती है उधर, और शुरुआत में तो कई लोगों को ऐसा लगा था कि जब पीएम छोड़ रहे थे और केंद्र की तरफ जा रहे थे तो क्या अमित शाह को यहां पर छोड़ देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, वो जोड़ी देश के लिए केंद्र में मूव हो गई। और उस तरह का एक स्पार्क उसके बाद बीजेपी को यहां पर कमी उसकी महसूस होती रही। लेकिन मैं इस चीज का के भी मायने समझना चाहती हूं कि अगर हम त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट की बात देख लेते हैं जी। तो एक और जानकारी हम दे देते हैं पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनके भाई के घर के उस पर ही वो उनका वोटिंग मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, तो अपने भाई के घर वो पहुंचे हैं, अपने परिवार से मुलाकात भी शायद मुझे लगता है कि उनकी उस तरीके से हो नहीं पाती है। ये हिमांशु अगर आपको आवाज आ रही है आप बताएं। जी श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नरेंद्र मोदी जो है मीडिया के साथ बातचीत करते हैं और एक वाइड जरूर देते हैं और ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बाहर आए और मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान करना बहुत जरूरी है। जो अधिकार लोगों को है उस अपने अधिकार का जो है वो पालन भी करें और मतदान भी करें। तो आप देखिए कि बिल्कुल यहाँ पर जो है एक किस्म से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ से जो है मतदान करने के लिए करने के बाद करें लोग आकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से अपने भाई जो सुमा भाई मोदी हैं उनके घर से निकलेंगे और इसी तरीके से वॉक करते हुए आएंगे, पैदल चलते हुए जिस तरीके से वो पैदल चलते हुए गए थे। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यहाँ आते हैं, 2019 के बाद चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मतदान करने आए थे तो इसी तरीके से उन्होंने वो पैदल चलकर जो किया था, और आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे। जी आप लोग क्या इंतजार कर रहे मोदी साहब को, तो आपने अभी रिटर्न में आ रहे हैं, लेकिन गोपी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल श्वेता आपकी आवाज आ रही है, बताइए जी। जी प्रधानमंत्री अपने भाई के पास पहुंचे हैं, एक बार फिर वो सड़क के रास्ते से ही पूरे इलाके में घूमेंगे, मतलब पैदल, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री की जहाँ पे स्कूल है
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए यहाँ पे, प्रधानमंत्री करीब 200 मीटर का जो डिस्टेंस है उसे बखूबी मेंटेन करते हैं। हर बार ये हमने देखा है कि जब भी वो आते हैं तो 200 मीटर का जो डिस्टेंस होता है उसे बखूबी मेंटेन किया जाता है। प्रधानमंत्री वहाँ पे उतरते हैं, वो पैदल चलते हुए स्कूल में जाते हैं। हालांकि इसी बीच लोग जो है उनका हाथ हिला के उनका अभिवादन भी करते हैं और वो स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल में बाकायदा वो लाइन से खड़े रहते हैं क्योंकि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें कहीं पे भी ये नहीं होता है कि कोई वीआईपी है या क्या है, वो हमेशा लाइन में खड़े रहते हैं। जब अपनी बारी आती है तब वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए बाहर आते हैं। वहां पे उनको जो यहाँ के साबरमती कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके लिए उन्होंने वोट डाला है, वो साबरमती कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उम्मीदवार है वो भी उनको अभी मिले हैं, जो दृश्य हम देख सकते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री के जो भाई है सोमा भाई मोदी, जिनका घर ठीक स्कूल से करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, प्रधानमंत्री उनके घर गए हैं क्योंकि उन्हीं के घर के एड्रेस पर प्रधानमंत्री का अपना इलेक्शन जो कार्ड है वो बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री उनके घर गए हैं, उनके यहाँ पे फिलहाल वो बातचीत कर रहे हैं और यहाँ से जब निकलेंगे तो इसी तरीके से जो पूरा आप देख सकते हैं, जो लोगों से आसपास का पूरी जो सड़क है, जो साइड में बैरिकेड्स लगाए गए, ये खचाखच लोगों से भरे हुए हैं। और वहां से अब प्रधानमंत्री गुजरेंगे और लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री जब गुजरते, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए ये फिक्स होता है कि इलेक्शन है तो इलेक्शन के दिन प्रधानमंत्री यहाँ पे अपना वोट डालने के लिए आने ही आने वाले हैं। तो लोग भी काफी उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक उन्हें दिख जाए, उनका हाथ हिला के अभिवादन कर दे और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन ले लेते हैं और प्रधानमंत्री भी सामने हाथ हिला के अभिवादन कर देते हैं। तो बेहद दिलचस्प जो तस्वीरें होती है, कुछ लोग हाथों में अपनी खुद की बनाई पेंटिंग्स को लेकर आते हैं तो कुछ लोग प्रधानमंत्री के लिए किसी न किसी तरीके से ऐसी चीज प्रधानमंत्री के लिए बना के लेके आते हैं जो बेहद दिलचस्प होती है। कई स्टूडेंट्स है जो सुबह से ही 5 बजे से ही यहाँ पे प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिलहाल सोमा भाई के घर पे पहुंचे हुए, सोमा भाई का घर जो प्रधानमंत्री के बड़े भाई है और घर ठीक सामने की साइड पे आया हुआ है, जिनके घर के एड्रेस पर प्रधानमंत्री का वोटिंग आईडी कार्ड है, तो उनके घर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री और वहां से लोग इसी तरीके से जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसी बैरिकेड से होते हुए प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे। हो सकता है कि मीडिया वालों से वो बातचीत भी कर ले, लेकिन वो हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि जो डिस्टेंस है 200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को पूरी तरीके से प्रॉपरली मैनेज किया जाए, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए, क्योंकि कई सालों से इसी जगह पर प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए आते हैं, इसी स्कूल में आते हैं, तो बकायदा वो उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के जरिए एक बार कंप्लेंट 2014 में की गई थी जब प्रधानमंत्री ने कमल के फूल के साथ अपनी जो उंगली पर लगाई इंक जो थी वो दिखाई थी। उसके बाद से लगातार ये एक डिस्टेंस जो है उसे मेंटेन, हालांकि उस वक्त किसी भी तरीके का इश्यू नहीं हुआ था क्योंकि वो 200 मीटर से दूर का इलाका था, लेकिन हमेशा ये चीजें माइन्यूटली मेंटेन की जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग प्रक्रिया जो है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आए। तो प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं, हर कोई मोदी मोदी के नारे लगा रहा है, क्योंकि ये एक आम प्रक्रिया जिसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री हर बार जब भी यहाँ पे आते हैं वोटिंग के लिए तो लोग जो है वो उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पे उमड़ते हैं। श्वेता, वही बात है गोपी की, अब तो जरूरी भी नहीं है कि उन्हें किसी चिन्ह के साथ अपनी तस्वीर खींचनी है उस हिसाब से, क्योंकि वो संकेत मिल ही जाते हैं लोगों को, वो एक संदेश मिल ही जाता है इन तस्वीरों से। और दुनिया की राजनीति की रवायत ये कहती है कि केवल बाकी चीजें नहीं, क्या काम हुआ है वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन रिश्तों की तस्वीरें भी अगर रहती हैं, अपने नेता का एक स्वरूप उस हिसाब से जो लोग देखते हैं उसमें, चाहे उनकी 100 वर्ष को होने को आई उनकी माँ के साथ उनकी तस्वीरें हो, या फिर वोट डालने के बाद अपने बड़े भाई के घर जाने की बात हो, ये सारी चीजें भी वोटरों के मन में कहीं पर छूती ही हैं। बिल्कुल श्वेता, ये सारी चीजें बहुत माइन्यूटली छूती है और लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब अपनी माँ के पैर छूते हैं तो एक सोसाइटी को एक अलग ही संदेश जाता है। और जब उनकी माँ हीराबा का 100वां जन्मदिन था, श्वेता, वो तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली थी। माँ के पैर छू के माँ के आशीर्वाद लिए थे, उन्होंने माँ की चरणों में बैठे हुए थे। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री का रिश्ता नहीं आता, यहाँ पे माँ बेटे का रिश्ता होता है। बेटा चाहे किसी भी पोजिशन पे आ जाए, वो माँ के लिए अपना बेटा ही रहता है। और ये तस्वीरें सच में बेहद खास रहती है। ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पहली बार देखने मिलती है, क्योंकि भारतीय राजनीति में इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आम देखने नहीं मिलती। आज अपने भाई के घर पे गए हैं, देखिए, हमेशा ये कहते हैं अपने भाइयों से एक डिस्टेंस वो मेंटेन करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके जो भाई है वो भी कई बार ऐसे डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने भाई के घर पे जा रहे हैं। लेकिन भाई के घर जाना और वहां पे से जो तस्वीरें आएगी, ये भी एक संदेश होगी, क्योंकि ये एक आम प्रक्रिया नहीं है। इस बार थोड़ा सा अलग ये प्रक्रिया है कि वो अपने भाई के घर। और देखिए, प्रधानमंत्री की माताजी जो है हीराबा, वो भी काफी, क्योंकि देखिए हर चीज एक सिंबॉलिक होती है सोसाइटी के लिए। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था, श्वेता, तो खुद और आज भी वो खुद वोटिंग बूथ पे जाके वोट डालने वाली है। ये बात अलग है कि वो 11:30 बजे के आसपास जा रही है, लेकिन वो खुद जाके वोट डालने वाली है। यानी लोकशाही की इस प्रोसेस जो है, लोगों को ये अपील है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले और वोट डालें, क्योंकि ये उनका पहला कर्तव्य है जब चुनाव होता है तब। और अगर 100 साल जिनके 100 साल हो चुके हैं, वो अगर महिला आके वोट डालती है और प्रधानमंत्री की माँ जो है वो आके इस तरीके से वोट डालती है, तो वो अपने आप में लोकशाही के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल, बहुत बड़ा मैसेज होता है। और प्रधानमंत्री की माँ भी आज पहुंचेगी, हीराबा आज पहुंचेगी वोटिंग बूथ पर, वो खुद अपना वोट डालेंगी। अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ वो पहुंच रही है। अभी प्रधानमंत्री पहुंचे सोमा भाई के वहां। सोमा भाई जिसके घर के एड्रेस पर प्रधानमंत्री का आईडी कार्ड बना हुआ है, और उनको मिलने के लिए पहुंचे। देखिए, ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं है, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो अपने भाइयों से। और कई बार हमने ये ऐसी स्टोरीज भी की है, श्वेता, कि जहां पे बहुत आम सा जीवन जी रहे हैं उनकी परिवार वाले, क्योंकि अक्सर हमने भारतीय राजनीति में देखा है कि अगर दूर के चाचा का बेटा भी अगर राजनीति में होता है तो वो पूरा फैमिली जो होता है वो कहीं आलीशान कोठियों में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत सामान्य सा घर है उनका। और वहाँ पे एक आम जिंदगी जीने वाला ये परिवार है, जहाँ ये कहीं लोगों को नहीं होता है कि उनका जो भाई है या उनका जो बेटा है वो प्रधानमंत्री है। कहीं पे भी रिश्तों का गलत इस्तेमाल जो है वो प्रधानमंत्री अक्सर करते हुए बचते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी तस्वीरें जो है वो हमें दिखाई देती है। माँ के घर जाते हैं आराम से, क्योंकि उनके छोटे भाई पंकज मोदी का घर कोई इतना बड़ा कोठी नहीं है, सामान्य सा घर है, और वहाँ पे वो जाते हैं तो अक्सर हमें दिखाई देती है वो सोफे पे बैठकर आराम से जो उनकी माँ है उनके साथ बातचीत करते हुए। कल भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो चाय पी रहे थे अपनी गोपी। संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि उनका आज का शेड्यूल क्या है। अब बातें कर रहे थे वो, यहाँ आज गुजरात से वापस लौटेंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, यहाँ से सीधा प्रधानमंत्री एयरपोर्ट की ओर जाएंगे, और आगे जो उनका शेड्यूल है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, और उनका जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे। लेकिन जो इस वक्त की तस्वीरें हैं जहाँ पे वोट डालने गए थे, वो भी आम आदमी की तरह ही इसी तरीके से लाइन में भी खड़े रहे थे और पूरा वोट डाला है। तो एक जो प्रक्रिया है वो बहुत सामान्य से वो फॉलो करते हैं। प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। प्रभु जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, प्रचार भले ही पूरा रहा हो लेकिन सुर्खियां इसीलिए बन जाता है क्योंकि वो अपनी माँ से मिलने कल शाम पहुंचे, आज सुबह उनका वोट देने के लिए आना, 200 मीटर हमेशा की तरह जो वो चलते हैं पैदल, और उसके बाद अपने भाई के घर जाना, इतना भी समझ में आता है कि सरकार के काम से बड़ा यहाँ पर भी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हो जाता है। और चुनाव के दिन भी वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा अगर उनकी बात, उनकी चर्चा, उनका नाम हो जाएगा तो शायद आज भी जो उनका सबसे बड़ा भरोसा है उसे वो सबसे बड़ा मुद्दा भी गुजरात का बना पाएंगे।
श्वेता बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पिछले 18 मिनट से हम क्या दिखा रहे हैं, मोदी जी क्या करने गए, भाई के घर गए, छोटे भाई के घर गए, माँ के साथ गए, साधारण परिवार है, ये ऑप्टिक्स है। मोदी जी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है, मार्केटिंग एक्सपर्ट, उनसे बड़ा कोई वर्ल्ड के अंदर मैंने देखा नहीं है अभी तक जिससे भी मुकाबला कर सकते हैं। और सोचिए इसमें 3-4 सूचनाएं जो मेरे को पहले नहीं पता थी अभी मेरे को पता लगी हैं कि उनका अपना वोट पोलिंग बूथ के बाहर जो उनके भाई का घर है वहाँ बना हुआ उनका वोटिंग, उनके पास अपना घर है, अरुण जेटली और मोदी जी का घर साथ में लगा हुआ है, वहाँ पर उनका वोट क्यों नहीं बनाया मेरे को समझ नहीं आता, इनके भाई के घर में वोट बना हुआ है। तो भाई के घर के अंदर वोट बना है तो वो भी अपने आप एक स्ट्रैटेजी की हो सकती है, मैंने कहना है ये। तो ये जो कहना कि साधारण लाइन में लगे हुए हैं, आपको पता होगा श्वेता जी आप भी काफ़ी सालों से वोटिंग कवर कर रही हैं, प्रधानमंत्री के लिए एक ब्लू बुक होती है, उस ब्लू का वायलेशन प्रधानमंत्री खुद भी नहीं कर सकते हैं। अगर वोटिंग की लाइन में लगे हुए हैं तो सैनिटाइज वोटर्स होंगे जिनकी पहले इंक्वायरी हो चुकी होगी, जिनकी सारे की सारी मैं एक तरफ से उनको चेक भी किया होगा, कोविड टेस्ट भी कराया गया होगा शायद उनके ऊपर, कि ज़रूरी आजकल प्रधानमंत्री को मिलने जाते हैं तब भी कई लोगों का टेस्ट होता है। तो जो लाइन में लगे हैं उसके अंदर ये प्रधानमंत्री कभी लाइन में लग नहीं सकते कि SPG के रूल में ब्लू बुक के रूप में ऐसा कुछ है नहीं, अगर लगे हैं तो वो भी ऑप्टिक्स का काम है। परंतु आपने ठीक कहा, बिना मोदी जी के वहाँ पर जब तक मोदी जी लोगों से कनेक्ट नहीं करते कि मोदी के प्रति आस्था गुजरातियों में अभी भी है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री देश के बने हैं, मुरारजी साहिब पहले गुजरात के बने थे प्रधानमंत्री, उसके बाद ये बने और 10 साल से बने हुए हैं, 10 वर्ष 8-9 साल चल रहा है। तो गुजरात अपने आप को ये समझता है कि हमारा प्रधानमंत्री सारे राष्ट्र के अंदर पॉपुलर है, सारे विश्व के अंदर भी पॉपुलर है, इसलिए उसके प्रति उसको जोड़ना ये अपने आप में ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल कनेक्शन हो जाता है, साइकोलॉजिकल भी है, एक प्राउड भी फील करते हैं अपने आप को कि हमारा गुजराती भाई जो है वो देश का प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री ऐसा है जो लोगों से कनेक्ट करने की आर्ट को मास्टरी कर चुका है, अगर कनेक्टिविटी का डिप्लोमा होता, मास्टरी होती तो प्रधानमंत्री को वहाँ पर शायद गोल्ड मेडल मिलता। तो प्रधानमंत्री जानते हैं कि वॉक करने का स्टाइल क्या है, कैमरे कहाँ पर खड़े होंगे, आपने देखा होगा आपने बहुत बार प्रधानमंत्री को कवर भी किया है, हर एंगल से उनका कवरेज फिक्स होता है कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे खड़े होंगे, आपने देखा कि उनके आसपास कोई भी दिखाई नहीं देगा आपको। तो प्रधानमंत्री का ऑब्जेक्टिविटी यही है कि मेरे साथ लोग सीधे कनेक्ट हुए, पार्टी का कोई मतलब उसके अंदर नहीं है, क्योंकि पार्टी इस वक्त मोदी जी का कद जो है अटल जी का कद पार्टी से बड़ा था, परंतु मोदी जी का कद अपनी पार्टी कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो पार्टी अब एग्जिस्ट इसलिए जैसे कहीं कहा जाता है इंदिरा इंडिया, अब मेरे को लगता है कि मोदी इज इंडिया, मोदी इज BJP, इस तरह का जो माहौल बन गया है उसका एक्सप्लॉयटेशन मोदी जी करना चाहते हैं और अपनी पार्टी को मैक्सिमम पॉलिटिकल एडवांटेज, पॉलिटिकल डिविडेंड देना चाहते हैं। जब ब्रांड कोई बिकता है तो ब्रांड के नाम से बिकता है, कंपनी को फायदा होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, इसी तरह मोदी ब्रांड जो है वो इतना पॉपुलर है कि उसकी मार्केट शेयर इतना ज़्यादा है, उसकी अल्टीमेटली डिविडेंड जो है पार्टी को मिलने वाला है, जितना एक्सपोजर मोदी ब्रांड का गुजरात में ज़्यादा होगा उतना वो समझते हैं उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने प्रचार इस वक्त किया है पिछले 20 सालों में मैंने देखा नहीं उतना प्रचार करते हुए, मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर के कारपेट बॉम्ब भी जिसको कह सकते हैं, 12 मिनिस्टर दिल्ली से जाकर के वहाँ पर बैठे रहे, 8 चीफ मिनिस्टर वहाँ जाकर के बैठे रहे, 2002 से लेकर अभी तक इतना बड़ा प्रचार हाई पावर्ड पिच इलेक्शन कभी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मोदी जी को लगा कि मेरे को पद यात्रा करनी है या रोड शो करना है, जिसका भी नाम दे दीजिए। अब देखना यह है कि शाम को जब वोटिंग आएगी उसके ऊपर कितना असर पड़ता है, कि पहली बार 2012 या 2007 के बाद वोटिंग कम हुई है, अगर वोटिंग कम होती है, अगर रूलिंग मीटिंग को हटा दें अगर आप, तो अर्बन एरियाज में बहुत ही कम हुई है, 55% भी नीचे चली गई है। तो अर्बन कनेक्टिविटी अगर मोदी जी की छूट रही है, मोदी का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वो शाम को दिखाई देगा, मेरे को लगता है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और उसका लगता है क्या रिजल्ट आएगा हम लोगों को शाम को ही पता लगेगा। वाकई, और जो प्रभु चावला जी कह भी रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो एकदम धुआंधार उसके बाद प्रचार हो गया, रोड शो हो गया, ये सारी चीजें भी बता रही हैं कि मुकाबला पूरी तरीके किसी भी तरीके से एक तरफा नहीं है, पर क्या ये एक त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट वाकई है, क्या जमीन पर ये नजर आता है?